साप उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश का आर लेटर लिखना होगा, आर यहाँ पे लिख दीजिएगा। आर लिखने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए ए लेटर आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ए लेटर थोड़ा सा और डिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसके आगे आप जो है बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे ऐसे एम लेटर लिख देंगे। एम लेटर लिखने के बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या होगा। पहले तो ये जो हमारा ए लेटर है इसके ऊपर आप ऐसे एक हाफ सर्किल बना दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे, एक हाफ सर्किल बना देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नीचे के साइड में एक ऐसे हाफ सर्किल बनाना होगा, एक छोटा सा हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। जितना आप इधर बनाएंगे उतना आप इधर भी बनाइएगा। फिर देखिएगा दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, ऊपर के साइड में एक यहाँ पे ऐसे आईब्रो बनाइए, एक आईब्रो आप यहाँ पे बना दीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान श्री राम जी की जय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि भगवान श्री राम जी ने जो है कितने वर्ष का वनवास किया था, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने आईब्रो बनाया है इसके जस्ट यहाँ पे ऊपर एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। एक सीधी लाइन हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे के साइड में ऐसे हम वी लेटर लिख देंगे, फिर एक छोटा सा यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद अब आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ये वाला जो आर वाला लेटर है हमारा इसके हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पे हल्का सा एक अंदर की तरफ करिएगा। फिर आपको यहाँ पे उठाते हुए जैसे हम थ्री नंबर लिखते हैं उसी तरह एक बड़ा सा थ्री नंबर लिखिएगा और ये वाला हिस्सा हमारा एम का यहाँ पे आकर मिलेगा। अब देखिएगा दोस्तों अब आपको इसको डबल करना है, यहाँ से ऐसे ले जाइएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करेंगे, कोई जल्दबाजी मत करिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद ये जो हमारा आर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक आप ऐसे ओवल शेप ड्रॉ कर दीजिएगा। ओवल शेप ड्रॉ करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पे आपको एक ऐसे लिप्स बनाना होगा, एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाइएगा। अब आपको यहाँ से भी एक ऐसे हाफ सर्किल इस साइड बनाना होगा, एक हाफ सर्किल आप इधर ऐसे बना दीजिएगा, इसको आप ऐसे टच कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ऊपर के साइड में आप हाफ सर्किल एक बनाइए यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे ओवल शेप ड्रॉ कर दीजिएगा, इसकी हेल्प से यहाँ पे भी हाफ सर्किल बनाना होगा आपको, एक हाफ सर्किल इस साइड ऐसे बना दीजिएगा। अब देखिएगा अब आप इसके साथ ऊपर के साइड में बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे हाफ सर्किल बनाते जाइएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं दोस्तों तो ये मेरी 100% गारंटी है आपको जो है भगवान श्री राम जी का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब देखिएगा यहाँ से जो है इसका सेंटर लेते हुए बीच में आपको एक छोटा सा यहाँ पे हाफ सर्किल बनाना होगा, एक हाफ सर्किल यहाँ पे बना दीजिएगा। फिर इसको अंदर की तरफ करिएगा, फिर यहाँ से बाहर की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ हम उठा देंगे। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप सीध में ले जाइएगा, चाहे तो आप यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाइए, एक सीधी लाइन इधर, एक सीधी लाइन आप इधर, बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से भगवान श्री राम जी का लिप बना दीजिएगा। ऊपर के साइड में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब देखिएगा दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करिएगा और आपको छोटे छोटे पॉइंट भी बनाने होंगे। फिर इसको भी यहाँ पे आप थ्री लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस वाले हिस्से पे जो है हम पॉइंट नहीं बनाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, इसकी हेल्प से यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको नीचे की तरफ हम बढ़ा देंगे। फिर आपको हाफ सर्किल बनाना होगा, फिर यहाँ से अंदर की तरफ कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों इसको हमें बहुत ही आसान तरीके से नीचे के साइड में ले जाना होगा। इसी तरह आप यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिएगा और इधर जो है हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए ऊपर के साइड में हम मिला देंगे। मिलाने के बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक ऐसे हाफ सर्किल बाहर की तरफ करिए, एक यहाँ पे कर देंगे। अब आपको जो है एक हाफ सर्किल इधर ऊपर के साइड में बनाना होगा, फिर इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल भी करना होगा। डबल करने के बाद एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन हम इधर ड्रॉ कर देंगे। अब आप बहुत ही आसान तरीके से एक डब्ल्यू लेटर लिखिएगा, फिर इसी तरह आप यहाँ पे आगे की तरफ डब्ल्यू लेटर लिखते जाइएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपको जो है भगवान श्री राम जी का बहुत ही आसान तरीके से हाफ सर्किल बनाइएगा, फिर अंदर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर अंदर की तरफ करते हुए हेयर बन जाएगा। हेयर बनाने के बाद आपको इधर भी ऐसे हेयर बनाना होगा, हाफ सर्किल अंदर की तरफ करिएगा, फिर यहाँ से बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर यहाँ पे आप बहुत ही सावधानीपूर्वक नीचे के साइड में मिला दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, पेंसिल की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से इस ए लेटर को आप पूरे सर्किल में कन्वर्ट कर देंगे। एक यहाँ पे भी इसको ऐसे सर्किल में कन्वर्ट करिए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बाहर की तरफ कर देंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस आप इधर रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे हाफ सर्किल बनाना होगा, इसको हमें
ऊपर के साइड में ऐसे ले जाना होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक छोटी सी लाइन आप ऊपर के साइड में ड्रॉ करिए, फिर इसको आप बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करने के बाद ऊपर के साइड में आप वी लेटर लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है भगवान श्री राम जी का बाण बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि धनुष बाण दोस्तों। फिर इसके बाद आप यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा, तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से राम वर्ड से भगवान श्री राम जी का चित्र बन के तैयार हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम जो है मार्कर या पेंसिल की हेल्प से भगवान श्री राम जी को शेड देना शुरू करते हैं।